हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। पिछला व्लॉग जो आपने देखा था वो 7 बजे तक का था कि सारा काम मेरा हो चुका था और बस यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ तो हाथ वाथ धोकर एक बार मैंने सोचा चलो नाश्ता बना लेते हैं। तो मैंने बनाया था मैंगो शेक। पापा आए हुए थे तो पापा का मुझे ऐसा था, कभी कई बार पापा ब्रेड व्रेड और छोड़ देते हैं सब बाहर की चीज़ें, तो मैंने कहा चलो जो आटा है ना उसी से पापा के लिए पराठा बना दिया। चार पराठा और मैंगो शेक हो जाएगा नाश्ते में। और मैंने भी एक अपने लिए पराठा बना लिया था और ईलू के लिए पाव भाजी, क्योंकि पिछली रात मैंने ज़्यादा बनाई थी थोड़ी सी तो वो बच गई थी, तो ईलू वही खाती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वो ईलू के लिए वो हो गया था। तो ये व्लॉग भी थोड़ा सा लेट है, लेट पहुंचा रही हूँ क्योंकि मेरा एडिटिंग करने का उतना मन नहीं होता, थोड़ा सा तबीयत भी ऐसे ही रहती है। तो आजकल सुबह से रात तक कुछ दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, बस के जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया, फिर बस ईलू की भी क्लासेस होती हैं, उसको खाना वाना खिलाती हूँ, उसके साथ ही मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ और उसके बाद बस हम सो जाते हैं। फिर दोपहर को उठते हैं और गर्मी भी इतनी है कि कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग करने का मन नहीं होता, ना ही मेरा व्लॉगिंग करने का मन होता, कुछ भी करने का मन नहीं होता। जितना जितना कर पाती उतना कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलो बर्तन लगा देते, साथ साथ में जो बर्तन हो गए थे वो सारे लगा दिए थे। बस अभी किचन क्लीन हो जाएगी, किचन को क्लीन कर दूँगी, उसके बाद बस मशीन में जो कपड़े हो रखे हैं वो सुखाने, उसके बाद बस फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे क्योंकि मैं भी जल्दी उठी हुई हूँ और पापा भी रेस्ट ही लेंगे क्योंकि सफ़र करके आए थे, तो और उनकी भी तबीयत में भी हल्की सी थी, मतलब डाउन ही थी, तो घर जब वो पहुंचे ना वापस तो बस उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई थी थोड़ा। तो पापा इसलिए आए थे कि उनके मामा जी हैं वो नहीं रहे थे, तो TA की बैठक में कोई एग्ज़ाम था तो उस वजह से टिकट्स उनको नहीं मिली थी, तो वो TA में तो नहीं आए और नहीं आ पाए, आ नहीं पाए, तो वो फिर अभी आ गए थे। 10 दिन के अंदर बैठ के जाना होता ना बैठक में, तो फिर वो इसलिए आए थे पापा और आज उनको ये वाला काम करना था। तो अभी 8 बजे हैं और मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे सोई हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, फिर खाना वाना, पापा भी सो गए हैं, खाना वाना खाएंगे तब रोटियाँ गर्म बना लूँगी, फिर देखते हैं दिन भर में क्या होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग उठ गए थे, पापा भी उठे थे थोड़ा सा और मैं भी उठी थी, और ईलू की भी में भी छुट्टी थी या क्लासेस थी या ख़त्म हो जाती हैं उसकी 11:30 तक हो जाती हैं, तो बस मैंने कहा चलो अब खाना बना लेती हूँ और पापा को भी खिला देते हैं। और खाना मेरा सुबह 7 बजे के अंदर ही बन गया था, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में भिंडी की सब्ज़ी थी, दाल थी, तो बस रोटियाँ बेलनी थी, नाश्ता हमारा हो ही गया था तो रोटियाँ बेल के और बस वही करना था, तो रोटी सेक रही हूँ हम तीनों की और बस दाल भिंडी की सब्जी अचार हो जाएगा, चटनी हो जाएगी, ऐसे करके ये खाना हो जाएगा। तो खाना खा के हम फिर से सो गए थे क्योंकि मैंने भी गोली ली थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पापा भी वापस सो गए थे खाना खा के, तो फिर इनका कॉल आया कि ये बीच में जब आते हैं ना ऑफिस से तब ये उधर लेके गए थे, मालवीय नगर में है उनका मामा जी का घर, तो वहाँ ये लेके गए थे, तो ये आने वाले थे, तब तक मैंने चाय चढ़ाई, पापा को भी उठाया कि पापा उठ जाओ तैयार हो जाओ ये आने वाले हैं तो फिर लेके जाएंगे, तो बस दोपहर की चाय चढ़ाऊंगी पापा और इनको जो है पियेंगे ये लोग और फिर ये लोग निकलेंगे और फिर पापा आएंगे तब कोई फ्रूट वगैरह कट कर लेंगे जैसे कि तरबूज हुआ, और ये उस बीच में मैं अपना झाड़ू और कर लिया जो काम होता है ना शाम की झाड़ू वगैरह का।
तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई हूँ। खाने में बस सिंपल सा ही बना रही हूँ, पालक के पराठे बनाऊंगी और लौंजी छोंक दूंगी और एक कुंदरू होते ना परवल, उसको उसकी सब्जी बना लूंगी। ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो खाना ही आजकल मुझसे मुश्किल से बन पाता है। तो फिर पापा आए तो मैं कुछ स्पेशल तो नहीं कर पाई, और पापा उतना स्पेशल में भी उतना नहीं जैसे कि पसंद करते। जैसे सफ़र करके वापस उनको जाना होता है ना, तो छोले वगैरह और ये कुछ वो थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं। तो फिर मैंने कहा सिंपल ही बना देती हूँ, तो पालक के पराठे, कुंदरू की सब्जी यानी कि परवल है ना, और लौंजी छोंक दूंगी। तो बस यहाँ पे ये सारा खाना बन गया था, पालक के पराठे बन गए थे, ये आए तब हम लोगों ने खाना खा लिया। लौंजी है, सब्जी है, चटनी है, अचार है, पालक के पराठे हैं और अमरस है। तो सिंपल सा ही बनाया था। फिर बस बर्तन वर्तन किए और थोड़ा सा बातें की, थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा बातें नहीं की तो क्योंकि सब हम लोग ऐसे ही पड़े थे, सो रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो फिर ये आए तो फिर खाना खाया, फिर ये बर्तन वर्तन किए, उतने में टाइम हो गया काफ़ी। फिर बस मम्मी और उसे कॉल किया होगा इलू ने, और ऐसे करके वीडियो कॉल और चलता रहता है ना इन लोगों का। फिर बस मेरा वाला सूट तो उसको पहनने की सुबह से लग रही थी, शिप्रा ने जो मेरे लिए भेजा था ना, तो वो बस पहन के खुद फुदक रही थी, ये देखो ऐसे इसको पसंद आ रहा था। तो क्योंकि पीछे इसमें क्या है बेल्ट है, तो इसको क्या है फिट आ गया था इस वजह से, तो इसको बहुत पसंद आ रहा था। तो हम दोनों इसको यूज़ ले लेंगे, मैं और इलू दोनों, तो अच्छा लग रहा है ना इसके ऊपर भी। तो बस फिर हम लोगों ने सो गए थे, इन्होंने काम किया 2 बजे तक, इन्होंने काम किया होगा 1-1.5 बजे तक, पापा सो ही गए थे, फिर मैं भी सो गई और इलू भी सो गई थी। तो ऐसे करके बस आज का दिन कुछ ऐसा रहा, सुबह से रात इसी टाइप से निकल रहा है आजकल। कुछ तबीयत ठीक होती है तो कर लेती हूँ व्लॉगिंग, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।